फ्रेशनेस कुकिंग। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे अनियन कैप्सिकम रवा मसाला डोसा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, थोड़ी सी हरी मिर्च, आलू, प्याज, हरी धनिया, नमक, ये थोड़ा सा सांभर मसाला है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, इससे डोसे में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये कैप्सिकम है जिसको हमने बहुत बारीक काट लिया, ऑलमोस्ट ग्रेट कर लिया है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, बटर और रवा मसाला है तो रवा और पानी। तो सबसे पहले क्या करें, रवा को ले लें एक बोल में, ये लगभग आधा बोल रवा है, और इसमें मिला लें पानी, और पानी मिलाने के साथ साथ इसमें मिला लें आप थोड़ा सा नमक, साथ में डाल लें थोड़ी सी धनिया पत्ती और थोड़ी सी हरी मिर्च, और इसको एक साइड कर दें। और अब हमें क्या करना है, मसाला तैयार करना है, अनियन कैप्सिकम रवा मसाला के लिए मसाला। तो जैसा नाम है, सबसे पहले डालें अनियन, फिर डालें कैप्सिकम, और अब ये आलू है मेरे पास, ये आलू मैश कर लें अच्छी तरह से ताकि इसमें गुठली ना रहे। साथ में डालेंगे हम बहुत थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल एक पिंच हल्दी, और एक पिंच ही लाल मिर्च, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो ज्यादा कर सकते हैं। सांभर मसाला डाल दें आप लगभग 1/4 टीस्पून, साथ में डालूंगा मैं थोड़ी सी धनिया पत्ती, और इसको अच्छी तरह से मैश कर लें, और ये अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे नमक, नमक डाल लें स्वाद अनुसार, और फिर मिक्स कर लें इसको, और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ी हरी मिर्च भी ऐड करते हैं, तो हरी मिर्च भी इसके अंदर, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। तो अब जो हमारा मसाला है वो तैयार हो गया है, और रवा जो है वो हमने पानी में भिगो के रखा है, तो उसको ले लें आप। तो सबसे पहले क्या करना है, एक पैन को गरम कर लें, इवनली गरम हो जाने दें उसको, और इसको जो हमने रवा, पानी, नमक, हरी मिर्च और हरे धनिया का मिक्सचर है, इसको इस तरह से चला लेते हैं, और चलाते हुए इसको डालें इस पैन के अंदर, बीच में छेद रह जाए, परेशान मत होए, क्योंकि इसमें जो रवा मसाला होता है, इसमें जो रवा का डोसा होता है, जो बेस होता है, उसमें छेद छेद रहते ही हैं, रवा ऐसे ही कुक होता है, वो अपने स्टार्च से बाइंड करता है, इसको थोड़ा कुक होने दें। अगर आपको लग रहा है कि बीच में काफी गैप बन गया है, तो थोड़ा सा ये रवा और पानी का मिक्सचर और डाल दें, और इसको एक काम करते हैं, ढक के छोड़ देते हैं लगभग 1 मिनट के लिए। तो लगभग 1 मिनट के बाद इसको आप अनकवर करें, और अनकवर करने के बाद ये जो आपका रवा डोसा तैयार हो रहा है, इसके ऊपर डालें बटर, और बटर फैलाने के बाद क्या करना है हमें, ये जो हमने मसाला तैयार किया है, ये मसाला रख दें इसके सेंटर पे इस तरह से, और इस मसाले को भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर दें पूरे डोसे के ऊपर, ये मसाला फैला लेना है, और ये मसाला फैलाने के बाद आप इसको कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दें, क्योंकि जो हमारा मसाला है उसमें हमने अनियन कच्चे यूज किए हैं, कैप्सिकम कच्चे यूज किए हैं, तो वो भी कुक हो जाएगा थोड़ा, तो लगभग 1 से 2 मिनट का इंतजार करते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं और हमारा मसाला भी अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब हमें डोसे को रोल करना है, इसको सावधानी से रोल करें, आप चम्मच का इस्तेमाल करें, और इसी तरह से इसको रोल कर लिया,
और रोल करके अब हम इसको सर्व करते हैं। तो तैयार है आपका अनियन कैप्सिकम रवा मसाला।